1000 पर डे का है, पर नाइट का, दो लोगों का। और गर्म पानी भी आपको नल में नहीं आता है, वो भी आप बहुत बार कहें उनसे कि भैया भैया अब गर्म पानी कर दो, मुझे 6 बजे निकलना था, इस वक्त 8:30 बज रहा है। तो इनके भरोसे में मैं रही ना, इन्होंने घोड़ा करवाया ना गाइड करवाया। गाइड मैंने जिससे बात की थी, वो जो मेरा पिट्ठू रास्ते मिलते हैं 100-200 रुपये सामान लेते थे, वो लेने को तैयार था, लेकिन मुझे थोड़ा वो आदमी सही व्यक्ति नहीं लगा, तो उसको मैंने मना कर दिया। घोड़ा वाले का यहाँ क्या सिस्टम है कि अगर मान लीजिए आप दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए एक व्यक्ति ही जाता है घोड़े के लिए। मतलब जैसे नियम तो ये होता है कि एक व्यक्ति एक घोड़ा पकड़ता है, दूसरा व्यक्ति दूसरा घोड़ा पकड़ता है। यानी कि अगर आपके पास दो सवारी है दो घोड़े की, तो उसमें एक ही व्यक्ति रहेगा। अगर आपने एक्स्ट्रा करना आदमी चाहिए तो 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। वैसे 1500 रुपये एक घोड़े का है, तो मतलब मुझे जो दो व्यक्ति का 3000 चाहिए लेना देना चाहिए मुझे, वो मुझसे 500 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। और अगर आप दो दिन बाद रुक के भोजबासा में 2 दिन रुक के आप वहाँ आना चाहते हैं, तो वो आपको बोलते हैं कि आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। और गाइड में ये चार्जेस चल रहा है 2000, 2500, 3000, और उसका रुकना खाना आपकी तरफ से होगा, ये भी चार्जेस है। तो और कोई कुछ और बोलता है, कुछ और बोलता है। यहाँ सब एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, सब पंडित और दुकान वाले सिर्फ अपनी दुकान चला रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से, मेरी राय के हिसाब से, आप अपने गाइड ट्रेवल एजेंट से ही बुकिंग करा के चलिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि कुछ लोग, ये लोग सिर्फ अपने, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग नहीं रुकते हैं, हर साल ही में रुकते हैं या दर्शन करके चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ और बहुत लोग तो गोमुखी नहीं जाते, गंगोत्री धाम के दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। गंगोत्री धाम में भी मुश्किल से परमिशन लेने के लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी डिटेल पूछते हैं, आपका है ना 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर पूछते हैं, आपकी हेल्थ ठीक है कि नहीं है, ये सारी डिटेल करके आपको पास दे देते हैं। फिर वहाँ एक बार फिर दोबारा चेकिंग होती है, वो डिटेल मैं आगे दूंगी मैं आपको। तो अभी क्या है कि सिस्टम ये है कि मैंने ऊपर ले लिया, मैंने गाइड वाइड किया, वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, तो अब मैंने गाइड तो हुआ नहीं है मेरे पास में। अब मैंने सोचा कि यहाँ ये भी, जैसे आप 2 दिन के लिए ट्रैक के लिए जा रहे हैं और सामान रख के जा रहे हैं, तो उसका अलग चार्जेस लगेगा। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा है, जब आप गाड़ी से ही आ रहे हैं तो आप अपना सामान ज़रूरत का निकाल लें एक दिन का, और बाकी सामान अपनी गाड़ी में डलवा दें ड्राइवर से, या जिससे बस के माध्यम से हैं उससे वहाँ डलवा दें। क्योंकि होटल में बेमतलब का रूम लेने का कोई मतलब नहीं, वो पर डे का चार्जेस लेगा आपसे। फिर मैं भी यही करूँगी, अपना सामान शिफ्ट कर दूँगी। अभी 8:30 बज रहा, मैं निकली नहीं हूँ, घोड़ा वाले से बात तो बनी है, वो कह रहा मैं 3500 एक साइड कर लूँगा। दूसरी बात, गाइड मुझे अभी करना है, देखते क्या है, गाइड भी इसी तरह गुमराह करते हैं आपको। तो मेरे ख्याल से ट्रैवल एजेंसी से बात करके ही आएँ, और वही उसे बुकिंग कराएँ तो ज़्यादा बेहतर, अगर गोमुख के लिए ट्रैक के लिए आएँ। यहाँ ज़्यादातर लोग बाहर के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, दुकान वाले भी मूर्ख बनाते हैं, कि हमारे परिचित के सबका एक दूसरे का ठेका होता है कि आज तुम्हारी बारी कल मेरी बारी। तो आप ये गलती ना करें दोबारा। यहाँ मुझे ऐसा लगा, यहाँ का आदमी जितना सीधा बना रहता है वो सीधा होता नहीं है, और ये नहीं देखता कि आप लेडीज़ हैं या कोई हैं, वो सिर्फ अपने उस बिजनेस से मतलब है उसको। यहाँ उस मुँह में मीठा बोलते हैं और अंदर से अलग होते हैं। तो मुझे नहीं, यहाँ का व्यक्ति सही नहीं लगा मेरे एक्सपीरियंस से। मतलब और कई जगह गई हूँ, और जगह आदमी सपोर्ट करता है लेडीज़ को और ना थोड़ा हेल्प करता है, यहाँ आपको बोल देंगे कि है ना क्या कहते हैं, हाँ हाँ मैं करवा दूँगा, गाइड करवा दूँगा, घोड़ा करवा दूँगा, होटल वाले बोल देंगे, और उसमें सबका कमीशन बना रहता है, होटल वाले का, कराने वाले का, सबका कमीशन बना होता है, और सब है ना एक दूसरे की बात को काटते नहीं, और आपको सामने वाले को उलझाते हैं बात को कि वही सही बोल रहे हैं, बाकी सामने हम जो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो ये गलती आप मत करिएगा, और आप अपने हिसाब से या तो पैदल ही चलिए, अगर हेल्थ है, भोजबासा में रुकिए, वहाँ आश्रम भी है और GMVM का बुकिंग करा के चले तो बेहतर है, लेकिन है ना, तो भी ये सारी चीज़ें का ध्यान रखिएगा। और मैं आगे जब अगर मुझे घोड़ा मिल जाएगा तो उसकी डिटेल में आके दूंगी। तो मैं यहाँ गोमुख ट्रैक में जा रही हूँ, और ये घोड़े हैं मेरे को 1500-1500 के मिले हैं, 500 रुपये एक्स्ट्रा इन्होंने लिए हैं। और यहाँ पे है ना ये मेरे पीछे जो है यहाँ चेकिंग पॉइंट है, जब आप परमिशन लेते हैं तो यहाँ चेक करवाना पड़ता है, और बताते हैं कि कोई पॉलीथीन वगैरह जितना आप ले गए हैं उतना वापस लेके आना है। और जितने दिन आप स्टे करते हैं तो हर पर पर्सन 50 रुपये चार्जेस लगते हैं, और ना पर पर्सन का है ना अलग से चार्ज पड़ता है। तो मेरे को टोटल 500 रुपये पड़ा, क्योंकि मेरे साथ 3 व्यक्ति हैं और साथ में 200 रुपये जमा करवाएंगे सिक्योरिटी के तौर पर। मैं घोड़े पर जा रही हूँ, ये रास्ता है, मैं आपको रास्ता दिखा, बहुत ख़राब रास्ता है, अभी बीच बीच में था बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग। ये पीछे गंगा जी नदी है, और देखिए पीछे हिमालय दिख रहे हैं, और ये रास्ता है पूरा, ये इतना ख़राब रास्ता।
खराब रास्ता है, देखिए पत्थर वत्थर ऐसे नजर नहीं है, और नीचे कोई रेलिंग नहीं है, ऊपर यहाँ खाई है, ऊपर देखिए हमारे दिख रहा है पूरा, और ये पूरा ऐसा रास्ता है, और ऐसे न जाने कितने रास्ते आपको मिलेंगे। ये तो थोड़ा समतल भी है, लेकिन ये देखिए ऊपर पत्थर आने का डर रहता है। हाँ, इसी में पत्थर आते हैं। तो मैं घोड़े ने मुझे अभी मैं ऐसे 1.5 घंटा हो गया चलते चलते मैं थक गई, और रास्ता कई जगह मतलब पत्थरों वाला रास्ता, मतलब समतल रोड भी नहीं है आपको, वहाँ पर पत्थर ही पत्थर हैं, और बहुत कहीं पानी के अंदर भी नदी बह रही उसके ऊपर भी चलना पड़ता है। तो घोड़े से चलना रिस्की तो है, लेकिन है ना क्या कहते हैं, लेकिन अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं या कुछ नहीं चल पाते हैं तो आप ऐसे जैसे देखिए मेरे पीछे और न जाने कितने ट्रैकर है ना अपना ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, और यहाँ और ट्रैकिंग का वो है, और मेरे पीछे ये देखिए सब है ना ट्रैकिंग करने के लिए और जा रहे हैं। यहाँ लोडर भी हैं, पट्टू भी, सामान ले कर भी जाते हैं। मैं यहाँ कोई जगह नहीं है, अभी चिड़वासा यहाँ से 4 किलोमीटर और है, 1.5 घंटा हो गया मुझे चलते चलते, अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, फिर आगे चलते हैं। कहते हैं गंगा तुलसी, मैं घर से कपूर भी लेके आई थी। अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखना चाहिए, वो आपको अगर आपने यूज़ किया तो पूरा नहीं वापस होगा, नहीं यूज़ किया तो 150 रुपये काट के आपको वापस कर देते हैं, और साथ में रेनकोट भी रखना चाहिए। अगर सामान नहीं उठा पाते तो आप पिट्ठू भी ले सकते हैं, और 1500 रुपये में पड़ जाता है, मेरे को 1500 रुपये पर डे का पड़ा, खाना पीना मेरी तरफ से, रहना भी मेरी तरफ से। 3 दिन मैं वहाँ रुकी, आज रुकूँ कल रुकी परसों वापस आऊँ। और ये गंगा तुलसी यहाँ जगह जगह मिल जाती है, और किसी भी पौधे को ऐसे नहीं लगा दीजिए, यहाँ बिच्छू घास भी होती है, तो बिच्छू घास को खाने और करने से बहुत इचिंग होने लगती है आपको बॉडी में, इसलिए ध्यान से और संभल के बेबी स्टेप करके, अगर पैदल चल रहे हैं तो बेबी स्टेप करके चल के धीरे धीरे आराम से चलिए। ये देखिए रास्ता ऐसा है, कभी भी ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं, और इतना सकरा रास्ता है, वन साइडर, इसमें आना जाना दोनों कोई रिल नहीं है। ये देखिए अगर आप घोड़े से जा रहे हैं, अगर ख़राब रास्ता आपको नहीं करता कि आपको लगता है गिर जाएंगे, तो वहाँ आप उतर जाइए और थोड़े थोड़े कदम पर चले, और जब आपको सांस लेने की दिक्कत हो तो आप कपूर या ना जो उनकी ऑक्सीजन ले लें। देखिए कितना नैरो रास्ता है, और ऊपर है ना इतने ऊंचे पहाड़, पत्थर गिरने का डर है, बड़े आराम से चलिए। सुबह 10:30 बजे चली थी और सब 1:30 बज रहा है, 3 घंटे हो गए हैं, और बहुत डिफिकल्ट ट्रैक था पैदल चलने वाले को, तो मेरे को सांस लेने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ऑक्सीजन का भी दिक्कत हो रहा था। ये कहो आप धूप निकली थी, पानी नहीं बरस रहा था, स्लिप ही नहीं हुआ, बहुत जगह किनारा एकदम सकरा था, मैंने 2 घोड़े किए थे जैसे आपको मैंने पहले बताया था। इस वक्त मैं हूँ चिड़वासा में, और यहाँ से भोजवासा 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस में है, और अब मुश्किल से 1-2 घंटे का ट्रैक रह गया है, और मैं अभी सिर्फ मैगी खा रही हूँ, मैगी और चाय मिलती है, मैगी 70 रुपये की है, और साथ में चाय। तो मैं घोड़े अपने घोड़े वाले को और अपने जो आप साथ गाइड में लेती हूँ उसका भी हम ही लोग खाना पीना देते हैं। तो आज मैं भोजवासा में स्टे करूँगी, फिर उसके बाद है ना कल का ट्रैक करूँगी, वो कल में वहाँ की जो ट्रैक होता है वहाँ पर घोड़ा नहीं जाता है, तो चलते हैं। बहुत डिफिकल्ट ट्रैक था, मेरे यमुनोत्री से ज़्यादा डिफिकल्ट था, मैंने अभी तक लाइफ का सबसे क्या कहें डेंजरस या खतरनाक एक्सपीरियंस लिया। अब मैं सोचती थी अमरनाथ का यमुनोत्री का ही है ट्रैक, लेकिन ये मेरा सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस रहा ट्रैकिंग का, मतलब घोड़े में भी चलो तो भी वो सबसे ज़्यादा वो रहता है, और आप पैदल चलो तो भी। अब 2.5 किलोमीटर का ट्रैक रह गया भोजवासा का, अब ये देखिए कितना खतरनाक रास्ता है, घोड़े से मुझे उतार दिए थे, बहुत स्लिपी रास्ता है। मैं देखिए यहाँ से कोई रास्ता नहीं बनाया, यहाँ पंडा के और चक्कर में यहाँ गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, अगर गवर्नमेंट के अंडर में हो तो ये सर रोड अच्छा बन जाए, ट्रैक अच्छा बन जाए, जैसे लगता है पुराने ज़माने में रह रहे हैं, और सब है ना इसके ट्रैक और इसका वो है ना पंडित के अंडर, पुरोहित के उसके अंडर में जाता है।
यहाँ फिर मैं रुक रही हूँ इस वक्त हूँ भोजवासा में, और मेरे पीछे आप देखिए मैं रात शाम को 4 बजे आ गई, तो बहुत ठंड थी यहाँ, तो लाइट तो रहती नहीं, जनरेटर से 1 या 2 घंटे के लिए लाइट रहती है। और मुझे सुबह 6 बजे जाना था, यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है, और लेकिन मैं अभी इस वक्त 7:30 बज रहा है, मैं गोमुख का ट्रैक कर रही हूँ, 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना। लास्ट कल का दिन था, आज 30 मई है, कल 29 मई था, तो कह रहे थे कि स्नो होने लगा था। तो आप ये मान के चलिए अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, 3 घंटे में, नहीं तो 4 घंटे लगते हैं आपको। तो बीच में मैं अब यहाँ से कोई रास्ता नहीं जाता, आपको पैदल ही जाना पड़ता है, बहुत कठिन रास्ता है गोमुख के लिए। तो मैं जा रही हूँ ट्रैकिंग को, एक मैंने अपना हेल्पर रखे हैं और गाइड रखा हुआ है ताकि मुझे रास्ता बताते रहें और हेल्प करते रहें। और मैं आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ आगे का, ये देखिए सफ़ेद एकदम पहाड़ी हिमालय वगैरह, ये देखिए पूरा है, ये थोड़े कैंप लगे हुए हैं, ये लाल बाबा आश्रम, ये देखिए ये भगीरथ पीक है और भगीरथ माउंटेन है, और ये भगीरथ रिवर है, ये ट्रॉली से जाते हैं नदी को उस पार, 2 आदमी इधर से खींचते हैं, 2 आदमी उधर से लेते हैं, अगर उधर से पार करते हैं तब उधर से वापस आ जाते हैं आदमी। और इस वक्त 7:30 बजे तो काफ़ी रश है, ये देखिए मेरे पीछे रिवर और ट्रॉली, 7:30 बज गए, मुझे 6 बजे निकलना था, एक्चुअली मुझे गर्म पानी चाहिए था, तो मुझे नहा के निकलती, तो मैं इसलिए मैंने 200 रुपये बाल्टी बकेट गर्म पानी लिया, नहाया और फिर मैं चल रही हूँ, और साथ में ये स्टिक भी आप लेके चलिए, और थोड़े थोड़े स्टेप बेबी स्टेप लेके चलिए, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, और अपनी मेडिसिन भी कैरी करके चाहिए, ऊलन कपड़े भी लेके चलिए। ना ये देखिए मैं ग्रुप में आई, मैं एक्चुअली मैं 7 बजे की आई, मैं 2 लेडीज़ हूँ, और मैंने ये बोला कि मेरे को ऑक्सीजन की कमी है, मेरा बहुत स्टेप कम है, लेकिन ये यूथ है 25-25 का ग्रुप है, उसके बावजूद भी ये लोग ने इतना भी नहीं कहा कि 2 लेडीज़ हैं, चलिए आप चले जाइए आगे, और ये पूरे यंग हैं, मतलब 15-16 साल से लेकर 20-25 साल के बच्चे हैं, ये भी नहीं हुआ कि 2 लेडीज़ को आगे कर दें, ह्यूमिनिटी भी नाम की चीज़ नहीं है, और ये इतना लंबा ग्रुप है, कहते हैं मैं 25 लोग हैं, 25 लोग पहले उस पार जाएंगे फिर इधर उस पार आएंगे, ह्यूमिनिटी नाम की चीज़ नहीं है, ना लेडीज़ का पॉकेट है, यहाँ सब अपनी बारी, ये लोग सब महाराष्ट्र से आए हैं और कुछ साउथ से आए हैं, कुछ गुजरात से आए, तो यहाँ पे मैंने ट्रैकिंग के से आए हैं, ट्रैकिंग वाले से रोपवे से इधर से खींचा किसी ने, 1 घंटा मुझे लग गया, 9 बज रहा है अभी, मेरा ट्रैक स्टार्ट नहीं हुआ, मेरी सिस्टर है वो उस साइड है रिवर के, अभी वो आएगी तब चलेंगे। ये चाइनीज मैन आए, ये चाइना से आई है, ये है भगीरथ पीक, इसके नीचे गोमुख, देखिए हम थक गए हैं, अब 1 ही किलोमीटर का ट्रैक किया है और बहुत थक है, बहुत ऑक्सीजन की कमी, शिवलिंग, कौन सी शिवलिंग, वो आगे से दिखेगा इसके पीछे, कौन सा शिवलिंग है ये, नहीं नहीं अभी इसके पीछे है, काय का शिवलिंग, माउंट शिवलिंग, वो पीक है, खराब रास्ता है गोमुख जाने के लिए, बहुत ध्यान से पत्थर वत्थर पर पांव रखे, बहुत खराब रास्ता है,
पूरा ऐसा ही। कहाँ गया, चला गया मेरा ना। ये देखिए तीन हिरण, ये तीन हिरण तो अभी मैं यहाँ पे आया, अभी आधा किलोमीटर दूर है, कुछ नहीं एक बज चुका है, वापस जाना है मेरे को और बहुत पैर जवाब दे रहे हैं, थक गई पूरी तरीके से। और सास रिपोर्ट में कपूर लेके आई थी, कपूर सूंघ रही हूँ, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन में। गोमुख से आ ब्लैक कलर का जो है इसी के नीचे से वो मुँह निकला हुआ है। ये आप मेरे पीछे देख रही हैं, ये देखिए गाय के बालों है निकलती है, ये देखिए ये बर्फ़ की शिला है, ये देखिए यहाँ से पानी पिघल के निकल रहा है। और ये जो है जा रहा है, ये तपोवन का रास्ता जा रहा है, और तपोवन और वसूली गंगोत्री चारधाम यात्रा पूरी हुई। अभी बज रहा है 3:30, 3:30, स्नो बहुत ज़्यादा गिर रही है और मेरा कैमरे पे भी है ना गीला हो रहा है। मुझे जल्दी वापस जाना है क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुका है और यहाँ से 5-6 किलोमीटर ऑलरेडी है। सो हम कुमुख के दर्शन करके आ गए, 2 किलोमीटर आ गए हैं, अभी 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है के 5 बज रहा है। तो आप जब भी जाएं तो सुबह जाएं, ऊपर से स्नोफॉल भी हो रहा था, बारिश भी हो रहा था, इसलिए रेनकोट भी लेके गई थी कवर करके रखें।